हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। तो भाई आज हम लेके आ गए हैं फॉर्च्यूनर, फिर से पुराने वाली। तो ये कोई फेसलिफ्ट वाली नहीं है भाई, ये नॉर्मल वाली है जो अपनी 4x4 आती है मैनुअल। तो अभी इसको हमने जस्ट वॉश कराया था, तो इसका शूट कर रहे हैं। सोचे कर ही लेते हैं, साफ गाड़ी है तो एक बार वॉक अराउंड देख लो गाड़ी का, फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। तो पीछे आप यहाँ ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव की वीडियो मतलब बैजिंग देख सकते हो। टेल लाइट इसमें आफ्टर मार्केट है। इस साइड भी अपना नॉर्मल ही है सब कुछ, ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं है गाड़ी में। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। फ्रंट में आप देख रहे होगे भाई इसकी ग्रिल चेंज है। तो ये आफ्टर मार्केट वाली ग्रिल है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। ये टोयोटा वाली नहीं है जो टोयोटा देती है अपनी नौसारी कार्स में, वो नहीं है। यहाँ पे इसके हुड पे आप देख रहे होगे ये एक ये है क्रोम का। तो लाइट्स की तरफ आए इसकी, तो जो इसकी लाइट्स हैं भाई वो ये तो प्रोजेक्टर है अपनी लो बीम जिसमें वाइट लाइट है, और ये है अपना हेलोजन बल्ब। हाई बीम में इसमें हेलोजन है, नीचे भी इसमें देख सकते हो आप। ये आफ्टर मार्केट लाइट है, इसमें LED वो भी सब चेंज होगा। अभी जो बाकी का है वो भी चेंज होगा। तो इंडिकेटर्स कार में इस साइड मिल जाते हैं फेंडर पे, यहाँ पे देख लो। तो इसका हम और भी रिव्यू वगैरह लाएंगे, घर की गाड़ी है तो इसकी वीडियो आती रहेंगी। कमेंट में बताना कौन कौन सी देखनी है। तो और इसके अगर टायर प्रोफाइल्स की तरफ चलें तो ये इसके टायर्स कुछ ऐसे देख सकते हो आप। थोड़े बड़े टायर हैं इसके काफ़ी। इनका साइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये है भाई 265/65 R17, 17 इंच के टायर हैं। ऐसे 265 और ऐसे भी 65, ये काफ़ी वाइड है। तो फेंडर पे यहाँ पे देख लो ऐसे अलग से ये कुछ दिखता है, काफ़ी बाहर सा निकला हुआ दिखेगा आपको इधर से देख लो। और चलते हैं बोर्ड गाड़ी के साइड में, साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में आपको फेंडर पे कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं दिखेगा, यहाँ पे देख लो जो इसका इंडिकेटर है वो आपको यहीं पे मिलेगा ORVMs पे। ये फोल्डेबल है सारे, अंदर से ये एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डोर हैंडल क्रोम का मिलेगा, क्रोम वाला। ऊपर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग के साथ यहाँ पे रेन वाइजर मिलेंगे, पूरे लास्ट तक है, मतलब सबसे लास्ट वाली पे नहीं है, यहीं पे है। इधर भी सेम है, यहाँ पे भी क्रोम है। कोई भी कीलेस एंट्री कार में नहीं आती है, है तो ये ऑटोमेटिक टॉप वाला ही वेरिएंट, पर इसमें मतलब पावर स्टार्ट स्टॉप वगैरह ये सब कुछ नहीं है, मैनुअल है अपनी, थोड़ी पुरानी वाली है इसलिए, पर ये चलाने में बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए मिल जाएगा जो काफ़ी मजबूत है। थोड़े पीछे की तरफ आए तो यहाँ भी ऐसे ही सेम टायर है चारों गाड़ी में, मतलब आगे की गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क हैं, पीछे के ड्रम है। तो भाई चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे। यहाँ देख रहे होगे भाई आप पे गाड़ी पीछे से बड़ी मस्कुलर लगती है ऐसी, मतलब रफ टफ चलाने के लिए ही है। नई वाली भी अच्छी है, नई वाली का लुक ऐसा होता है थोड़ी लग्जरी टाइप का, ये रफ टफ वाली लगती है थोड़ी माचो पर्सन्स के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो आफ्टर मार्केट टेल लाइट इसकी। इधर बीच में आपको फॉर्चुनर की बैजिंग दिख जाएगी, नीचे हमारा नाम दिख जाएगा, और ऊपर आपको गैलेक्सी टोयोटा की बैजिंग दिख जाएगी। पीछे आपको रियर वाइपर और डिफॉगर मिल जाएगा गाड़ी में, फोर व्हील ड्राइव की बैजिंग दिख जाएगी। नीचे आपको साइलेंसर दिख जाएगा, इसका जो स्पेयर टायर आता है वो भी नीचे है। तो थोड़ा अब दूसरी साइड चलें तो यहाँ पे आपको गाड़ी का दिख जाएगा फ्यूल टैंक डीजल वाला। तो कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, वो मेरे को भी पता नहीं, स्क्रीन पे लिखी आ जाएगी। तो चलें जरा गाड़ी के थोड़ा सा एक बार और वॉक अराउंड ले लेते हैं जो कुछ ना बताया हो। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिरर मिलता है अंदर से, अगर आप बैक वगैरह कर रहे हो गाड़ी तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है, आगे से सब कुछ दिख जाता है, मतलब उधर सीट पर बैठ के सब कुछ दिख जाता है। इसमें एक इसकी हम वीडियो लाएंगे टॉर्क वाली, टॉर्क से रिलेटेड, उसमें हम इसको चला के दिखाएंगे कि कौन से गियर तक बगैर रेस दिए चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ये मिलता है, इस साइड भी है, दोनों साइड है शायद, हेडलाइट वॉशर है, ऑन हो जाता है। ग्रिल आपको बड़ी अच्छी मिलेगी इसमें, नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस कार का काफ़ी अच्छा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी काफ़ी लंबी है, बहुत लंबी है, मतलब ऊंची भी है, सारा कुछ मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी वीडियो देखनी हो बता देना, वो कमेंट में बताना, सारी मिलेंगी आपको, कहीं नहीं जाने वाली है। तो भाई एक बार गाड़ी का बूट खोल के दिखाऊं मैं आपको।
तो इसका बूट देखते हैं। तो ये खुल गया भाई, अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर का बूट स्पेस तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे सामान वगैरह तो नहीं है। ये अपने स्पीकर्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट है, पायनियर के ये दो, और ये एक सबवूफर है, ये मेरे को पता नहीं कौन सी कंपनी का है। इन पे तो लिख रहा है इधर स्पीकर की बैजिंग है इन पे पायनियर की। तो बूट करते हैं बंद। तो भाई ये बहुत हैवी है, अकेले बंदे से होता नहीं है। तो देखो अभी भी नहीं हुआ, इसको अच्छी तरह जोर से मारना पड़ेगा। ये हो गया बंद, चलते हैं गाड़ी के अंदर। आपको एक बार इसकी बैक सीट्स वाला अभी सिस्टम दिखा दूँ सारा क्या है। तो भाई गाड़ी का डोर आपको कुछ इस तरह का मिलता है, ये देख लो। यहाँ देखोगे पावर विंडो डुअल टोन में है, ये थोड़ी वुडन फिनिश टाइप है, पर है ये प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक है। यहाँ सॉफ्ट टच मिलेगा आपको सारे में। ये यहाँ डोर ओपनर लॉक अनलॉक, ये रहा डोर ओपनर अपना। नीचे आपको स्टोरेज भी मिलेगी, बोतल, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना सामान वगैरह रख सकते हो। चाइल्ड लॉक गाड़ी में आ जाता है, ये रहा यहाँ से लॉक और ये अनलॉक। तो विंडो काफ़ी बड़ी है भाई, इसकी व्यू देखो आप इतना कितना आएगा। और ये वन टच नहीं है, ये मैनुअली करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार बैठ के देखते हैं भाई इसकी, इस वाली सीट पे बीच वाली, तो बताएं जरा इसका आपको कुछ। तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं इसमें, यहाँ पर ये हो गए अपने एसी वेंट्स ओपन। यहाँ के भी सेम ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज मिल जाती है ऐसी। सीट अभी आगे नहीं है ज़्यादा, स्पेस बहुत है इस कार में, क्योंकि लंबी इतनी है, ज़रूरत ही क्या है सीट पीछे का आगे करने की। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक के पीछे वो मिल जाता है थोड़ा सा, मतलब आर्मरेस्ट अपना। कोई भी यहाँ पे अभी मेरे को दिख नहीं रहा सॉकेट, पावर सॉकेट चार्जिंग का शायद इसमें यहाँ पे था, पर वो चीज़ अभी थोड़ी है नहीं। इस साइड भी सेम यही है, यहाँ पे अपना ये ग्रैब हैंडल है। हैंगिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो कोई सामान, पर उसकी भी एक लिमिट होती है, यानी आप कुछ भी टांग दो। तो यहाँ पे देख लो, ये रहे इसके यहाँ के एसी वेंट्स। यहाँ पे आप इसके एसी वेंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हो, हाई लो ऑफ, ठीक है। तो ये अभी हाई पे है। पीछे की सीट्स की बात करें तो ये भी ठीक है, एक बार चलते हैं पीछे की सीट पे, दिखाते हैं इनका कंफर्ट कैसा है। तो ये हो गई है सीट्स आगे, मैं एक बार इसको करके दिखा दूंगा कैसे होती है। एक बार चलते हैं इनके पीछे वाली सीट पे। तो इधर अगर हम आ गए तो इसको पीछे भी कर लें। तो भाई स्पेस है कोई, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको, जो कि कंट्रोलेबल है, पीछे के भी कहीं से भी कंट्रोल कर लो, आगे से पीछे से। ये रे अच्छी है भाई ये कार, काफ़ी मेरे को पुरानी वाली भी बहुत अच्छी लगती है फॉर्च्यूनर पर्सनली। यहाँ पे आप स्टोरेज वगैरह रख सकते हो अपना, कुछ सामान है तो रख लो। ये भी विंडो काफ़ी अच्छी शेप है इसकी, ऐसे ट्राइंगल शेप कुछ कहते हैं इसको। तो हेडरेस्ट भी है भाई इसमें पीछे, टोटल गाड़ी में 4-6 हेडरेस्ट आ जाते हैं, 2 आगे, 2 यहाँ पे इधर वाली सीट पे, और 2 पीछे। तो एक बार चलते हैं अब वापस से आगे। तो भाई एक बार चलो इसकी सीट्स को आपको मैं अनफोल्ड करके दिखाता हूँ, मतलब इनको कैसे हम आगे कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे एक लीवर है, इसको पहले तो इसको आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा। तो ये डाउन हो गई, अब इसको आगे से ऐसे उठा दो तो ये पूरी अपनी अप हो गई। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हो अपना, पीछे जिसको जाना है जा सकता है, बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई इतना टाइम वाइम नहीं लगता। और ये अपनी वापस नॉर्मल हो गई। तो अब चलते हैं भाई इसके फ्रंट में, जो फॉर्च्यूनर का मतलब आगे से वो है, तो उसमें चलते हैं एक बार। चलो तो भाई ऐसा मिलता है आपको फॉर्च्यूनर का पुराने वाली का डोर। तो यहाँ पे फिर से आपको वुडन फिनिश, यहाँ प्लास्टिक का, यहाँ पे डोर पकड़ने के बंद करने का, यहाँ बॉटल होल्डर वाली स्टोरेज है, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं। ये आफ्टर मार्केट, इसमें लाइट्स लगी हुई है, ये नीचे इल्यूजन बनाती है। तो ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, वो मैं बैठ के चेक करा दूंगा। यहाँ लॉक अनलॉक से सारे रिलेटेड मिल जाएंगे, यहाँ डोर ओपनर क्रोम में, बाकी सब अपना नॉर्मल। तो बाकी ये यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे इसके। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा ग्लास होल्डर, जहाँ ग्लास वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह की लाइट्स आ जाती है। यहाँ मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हो इधर से, लेफ्ट राइट वाले को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, वो बैठ के करके दिखाऊंगा मैं। आ जा नोनू, हो गया आ जा। तो यहाँ पे भाई इसकी जो ये सीट्स हैं, इनको भी आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो, जबकि ये बहुत पुराने वाला वेरिएंट है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एक बार बैठते हैं इसके अंदर।
तो ऐसा आपको कुछ फॉर्चुनर का अपना टैकोमीटर वगैरह मिल जाता है जिसमें 6,000 तक मार्किंग, क्योंकि डीजल इंजन है। थोड़ा सा रेव करेंगे ना तो देखो इस गियर कैसे हिलता है भाई, इतनी पावर है कार में क्या बताएं। जाती है 2000 RPM के बाद तो ऐसी लगती है कि जैसे जेट चला रहे हो, बहुत तगड़ी पावर है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको इसकी डीजल की वो दिख जाएगी कि डीजल कितना है, फुल है। यहाँ पे आपको इसका टेम्परेचर दिख जाएगा। तो इस साइड भाई आपको इसके मिलेंगे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल, जो कि देख लो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। यहाँ से आप डिप्पर वगैरह भी मार सकते हो, इसके डिप्पर इंडिकेटर अप डाउन ऊपर इधर उधर सारे कुछ कर सकते हो। ऑटोमेटिक भी एडजस्ट कर लो कि शाम होते ही अपने आप जल जाती है। इस साइड आपको मिलेंगे सारे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। वाइपर आप देख रहे हो मतलब पीछे भी है आगे भी है, तो इसके अलग अलग कंट्रोल है। हेडलाइट वॉशर ही था वो शायद आगे, कि भाई हमें तो इतना पता नहीं ये चीज़ें कौन कौन यूज़ करता होगा। इस साइड अगर थोड़ा बीच में आए तो यहाँ पे आपको दिखेगी गाड़ी की मतलब अंदर का क्या वो है टेम्परेचर, और यहाँ बीच में आपको टाइम दिखेगा। नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि इतनी बड़ी स्क्रीन तो नहीं है, पर हाँ उस टाइम के हिसाब से भी जो स्क्रीन आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे आप इसको मतलब ट्यून वगैरह सब कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, वो आप स्टीयरिंग पे से भी कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो। इस साइड आपको स्टीयरिंग पे वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल मिलेंगे, ट्रैक चेंज मोड वगैरह के मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा वॉइस कमांड का, कॉल कट कॉल पिक। फिर से आ जाते हैं सेंटर में, तो यहाँ पे आपको इसके पार्किंग हजार्ड लाइट्स मिल जाएंगी, जो डबल इंडिकेटर भी कहते हैं। इस साइड आप शीशे वगैरह को डिफॉगर ऑन करना हो, यहाँ इसका ऑटोमेटिक एसी देख रहे हो इतनी पुरानी कार में भी। यहाँ से आप कर सकते हो इसके पीछे की कूलिंग ऑन, ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, ऑन हो गई, ऑफ हो गई। तो ये रहा इसका यहाँ लाइटर वगैरह जो मिल जाता है, हर कार नहीं आता है आजकल। और यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉकेट ब्लूटूथ कह रहा हूँ USB और ऑक्स का। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। इस साइड यहाँ भी इसमें थोड़ी थोड़ी स्टोरेज है, उस साइड भी, इस साइड भी है। ये रहा इसका 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो देखो थोड़ी सी रेव करूंगा मैं कार तो कैसे हिल रहा है, कार भी हिल रही है अगर आपको दिख रहा हो तो। तो ये देखो कार भी वाइब्रेट होती है भाई, बड़ी पावरफुल चीज लगती है, मेरे को बहुत पसंद है। इस साइड आपको ऐसा कुछ यहाँ का वो मिल जाएगा शेड, पर इसमें कोई वैनिटी मिरर नहीं है। इस साइड वैनिटी मिरर है विदाउट लाइट, तो इसको कहते हैं बंद। ये रहा इसका डैशबोर्ड जो फुल भरा पड़ा है, अच्छा है, बड़ा है काफी। यहाँ पे इसकी एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए दे रखा है, जिससे आप पकड़ के ऊपर चढ़ सको। यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट पायनियर का स्पीकर मिल जाएगा। ये रही भाई इसकी साइड वाली सीट, ये कोई अपनी मतलब मैनुअली, हाँ ये मैनुअली अपडेट आगे पीछे होती है, सिर्फ ड्राइवर साइड वाली वो है क्या कहते हैं ऑटोमेटिक। तो आगे का वो जो आप मिरर देख रहे हो ना, वो बड़ा सही लगता है भाई, मतलब ऐसा लुक आता है उसको कि बस क्या ही बताएं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, एक ग्लास होल्डर टाइप का है कुछ, शायद इसमें सामान वगैरह रख सकते हैं। तो अब इसकी बीच की बात करें तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इसका आर्मरेस्ट, जो कि सॉफ्ट टच में नहीं है, ये प्लास्टिक टाइप है। हैंड ब्रेक ऐसा कुछ मिल जाएगा। ऊपर की लाइट देख लो तो यहाँ पे LED दिख जाएंगी आपको। यहाँ पे आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर। और भाई आप जल्दी जल्दी कमेंट करो वीडियो पे, लाइक बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारे, और कमेंट में ये बताओ कि वीडियो कैसी है और आपको कौन सी गाड़ी की वीडियो देखनी है। और यहाँ से ना आप इसके AC को बंद चालू भी कर सकते हो, इधर भी उधर भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा डोर के साथ में ही अपना ग्लास होल्डर, और इस साइड भी ये रहा ग्लास होल्डर। अच्छा है भाई, प्रैक्टिकल चीज है, रियल लाइफ में काम आती है चीजें। ये रहा इसका रियर व्यू, जहाँ से आप पीछे का देख सकते हो। कोई नाइट को वो करने वाला नहीं है कि जिसमें रात में लाइट वैसी हो जाए, मतलब ग्रीन जो पीछे से लाइट आती है वो ग्रीन हो जाए। तो ये गाड़ी भाई आराम से 180 टच कर देगी। थोड़े से रेव करें इसको, देखो बहुत पावर है भाई कार में, लिटरली बहुत ज्यादा पावर है। पूरा बोनट नजर आता है आपको कार का, ये देखो यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल दिख जाएंगे सारे वाइपर्स। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच।